गाइस, तो आयरन मैन 2 मूवी में रोडी आयरन मैन के बिना परमिशन के वॉर मशीन के सूट को कैसे यूज कर पाता है, जबकि टोनी की परमिशन के बिना उसके सूट को कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो देखो, यहाँ पर रोडी वॉर मशीन के सूट को इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि वॉर मशीन का सूट हमें आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में ही देखने को मिल गया था, और इस सूट को बनाने के बाद टोनी रोडी के पास जाकर उसे इस सूट के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान सुनने से पहले ही रोडी टोनी के इस प्लान का हिस्सा बनने से मना कर देता है। लेकिन मूवी की एंडिंग में रोडी को इस सूट के बारे में पता चल जाता है और इस सूट को यूज करने के लिए एग्री हो जाता है, और इसलिए आयरन मैन रोडी को ये सूट यूज करने की परमिशन दे देता है, और इसी रीजन की वजह से रोडी आयरन मैन 2 मूवी में आयरन मैन के बिना परमिशन के वॉर मशीन के सूट को यूज कर पाता है।